नमस्कार दोस्तों हम गुड मॉर्निंग सर्वप्रथम तो मैं इस मुद्दे को लेकर आपसे माफी चाहूंगा पिछले तीन दिन मैं क्विक रिविजन की जो क्लास है उसको रेगुलर नहीं रख पाया नौकरी कुछ मजबूरिया ट्रांसफर डेपुटेशन ये सब चलता रहता है ये सरकारी नौकरी के जीवन के कुछ हिस्से हैं अब आ गया हूं आप शायद चर्चा करूंगा कल भी करूंगा परसों भी करूंगा हो सकता है फिर एक आधा दिन का फिर कोई डिस्टरबेंस आए कोशिश तो ये थी कि अब तक मैं आपका सब कुछ कंप्लीट करवा चुका होता तैयारी भी थी सब कुछ था मानसिक रूप से भी तैयार था लेकिन परिस्थितियां उच्चक रूप से विपरीत हो गई खैर यह चलता रहता है जीवन के सब हिस्से हैं रेगुलरिटी रेगुलरिटी <laughs> चलता रहता है कुछ आज बड़ी कोई मजदाय मजेदार उपमाएं दे रखी आपने मुझे इसमें <laughs> देखिए मैं ना इतनी बड़ी उपमाओं का वो नहीं हूँ मतलब वो पात्र नहीं हूं कि आप मुझे इतने महान व्यक्तियों के साथ मेरी आप तुलना करें मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं ताज जिंदगी एक विद्यार्थी रहूं और आप भी विद्यार्थी ही रहे आनंद एक स्टूडेंट बने रहने में है हम सीखते रहें, सीखते रहें, इसी में आनंद है मैं दिन कहीं पढ़ रहा था कि बौद्धिक विकास कब रुकता है कि आपका बौद्धिक विकास तब रुकता है जब आप यह कहने लगते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ उसी दिन आपका पतन शुरू हो जाता है तो मैंने अभी सिर्फ सीखना शुरू किया है आपकी तरह मैं आपसे भी सीखता हूं यहां वहां की हर परिस्थिति हर घटना से सीखता हूं हर व्यक्ति से सीखता हूं तो आपको पुनः जो आप सब जल्दी उठ के और मुझे सुनने के लिए आए हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया सादर नमन आप सबको और इस अच्छे मौसम में जब न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है आप सब उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मनोयोग पूर्वक अपनी तैयारी कर रहे होंगे आज मैं जो आपसे चर्चा करूँगा वो प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों की चर्चा करूँगा इस क्विक विजन क्लास में मैं आज आपको तीन विचारक करवाऊंगा मैं आपको जवाहरलाल नेहरू राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन तीन पे आज हम चर्चा करेंगे मैं जो चर्चा की आपसे शुरुआत करूंगा वो जो प्रमुख भारतीय विचारक हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के भविष्य निर्माता और लोकतंत्र की नियम को सुदृढ़ करने वाले ऐसे युग पुरुष और महापुरुष व्यक्ति से हम शुरुआत करेंगे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू अगर हम आज मेन स्ट्रीम का मीडिया मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं अगर हम आज हम सोशल मीडिया देखें और दक्षिणपंथी शक्तियों की मेंटेलिटी देखें तो हमें यह लगेगा कि इस व्यक्ति से बड़ा कोई खलनायक इस देश में नहीं हुआ है इस महान व्यक्ति ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया ये शो किया जा रहा है और इस देश की बर्बादी का जो मूल कारण है वो ये ही है ऐसा एक नरेशन, ऐसी एक सोच और ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया गया है देखिए आज इस देश में जो कुछ है इसी महापुरुष की ही वजह से है इस देश में आज लोकतंत्र जिंदा है और मैं इन मुद्दों पे आपसे जो चर्चा कर पा रहा हूं वो इसी वजह से है मैं दक्षिण शक्तियों की चर्चा कर पा रहा हूं आपसे इनकी महानता की चर्चा कर पा रहा हूं इसके पीछे भी यही है आप सेमुअल पी हंटीगटन की एक थर्ड वेव करके और एक पुस्तक है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट ट्वेंटी सेंचुरी लोकतंत्रीकरण की तीन लहरों की वो चर्चा करते हैं दूसरी लहर थी लोकतंत्र की वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो लहर आई उसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे थर्ड वर्ल्ड मीस जो विकासशील देश जिनको आज हम कहते हैं जो तृतीय विश्व के देश जिनको हम कहते हैं अफ्रीका और विशेषकर एशियाई देश उन देशों में लोकतंत्र आया लेकिन हट्ट आगे लिखता है कि फिर एक एंटी वेव आई पहले लोकतंत्र की लहर आई फिर एक लोकतंत्र की विपरीत लहर आई और थर्ड वर्ल्ड में से लोकतंत्र डह गया इंडोनेशिया चला गया गाना से चला गया तंजानिया से चला गया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान से लोकतंत्र चला गया एक देश जो लोकतंत्र के ऊपर कायम रहा और एक शक्तिशाली व्यक्ति जो हीरो की तरह पूजा जाता था उसने इस लोकतंत्र को मजबूत किया कमजोर नहीं किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अगर हम आज के हीरो से तुलना कर लें, तो शायद इस देश में लोकतंत्र आज से बहुत पहले खत्म हो गया होता तो ये इसी व्यक्ति की जो नींव रखी गई लोकतंत्र को मजबूत करने की उसी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो वैसे ही महापुरुष भारतीय राजनीतिक विचार के तौर पर भी हम पढ़ेंगे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा कर रहे हैं देखिए कोई भी व्यक्ति आलोचनाओं से तो परे नहीं होता इसका मतलब वो तो या तो ईश्वर ईश्वर भी आलोचनाओं से परे नहीं है तो वो किसी की भी की जा सकती है तो हम नेहरू नेहरू जी जी की की चर्चा चर्चा शुरुआत करें करें बड़ी बड़ी बातों की चर्चा करें। जी के प्रेरणा स्रोत ये क्वेश्चन तो एक बार पूछा हुआ है नेहरू जी अपने पिता मोतीलाल नेहरू से गांधी जी से और रविंद्रनाथ टैगोर इन तीन व्यक्तियों से प्रभावित है गांधी जी से चाहे वो अहिंसा का मार्ग हो चाहे व्यापक सोच हो मानवतावादी सोच हो वो गांधी जी से प्रभावित है रविन्द्र नाथ टैगोर से प्रभावित है वो उनका जो संश्लेषणात्मक विश्व बंधुत्व का भाव था उससे वो प्रभावित है और जो जीवी और वो सारी चीजें जो, जो ली है वो मोतीलाल नेहरू से प्रभावित हो गए तो नेहरू जी के तीन प्रेरणा है। स्रोत है। हैं वो स्वयं स्वीकार करते हैं वो है मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर फिर हम आगे जब और तथ्यों की चर्चा करें तो योजना आयोग का निर्माण इन्हीं के वजह से हुआ था मार्च 1950 में और ये योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना ये इन्होंने सोवियत संघ से प्रेरित होके शुरू की थी ने सोवियत संघ का जो तो समाजवादी साम्यवादी मॉडल था उसमें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी केंद्रीय नियोजन था उसी से प्रभावित होकर और योजना आयोग का निर्माण किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना था वो था महल नोबिस मोटर जो इसके निर्माता थे उनका नाम है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो निर्माण करता थे उनका नाम है ये उन्हीं की प्रेरणा से फिर ये मॉडल लागू हुआ जिसमें हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई ये जितने भी स्टील के संदर्भ में लोहे के संदर्भ में कोयले के संदर्भ में जितनी भी बड़ी कंपनियां सुनते हैं जो नवरत्न कंपनियां वो सब इसी के तहत स्थापित की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने गांव के विकास के लिए जो गांधी का सोपन था ग्राम स्वराज का उसकी पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया और पंचायती राज का आगाज किया और उन्नीस एक और हम तथ्य देखें कि ये जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी इस अंतरिम इंट्रीम गवर्नमेंट की जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा कैबिनेट थे, वो, थे तो वो थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये अध्यक्ष नहीं थे इंट्रीम गवर्नमेंट के 15 अगस्त के बाद ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले इंट्रीम गवर्नमेंट के उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष तत्कालिक गवर्नर जनरल थे तेरह दिसंबर 1946 संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया ये उद्देश्य प्रस्ताव बाद में पारित होकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना उसके प्रेरणा स्रोत तो उस प्रस्ताव को रखने वाले महात्मा गांधी थे ट्रस्टी विद डेस्टिनी भाग्यवधु के साथ चिर प्रतीक्षित मुलाकात ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन है जो उन्होंने हमारे संसद भवन परिसर में उस टाइम दिया था संविधान सभा के समक्ष जब देश आजाद हो रहा था ये पंद्रह अगस्त की रात्रि को यानी चौदह अगस्त जा रहा है और पंद्रह अगस्त आ रहा है उस मध्य रात्रि को दिया गया ये संबोधन है भाग्यवधू के साथ चिद प्रतीक्षित मुलाकात भाग्यवधू है हमारे देश की आजादी हमारे देश की स्वतंत्रता और उससे हम मुलाकात कर रहे हैं इसी संदर्भ में इनका ये भाषण है उन्नीस का हिंदी चीनी भाई भाई का, का नारा। और उसके बाद है कि देश की आजादी से पहले इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की उन्नीस लाहौर में 1936 लाहौर थर्टी सेवन फेजपुर जो कि बंगाल में था वहां इन्होंने अध्यक्षता की तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि देश की आजादी से पहले कितने बार अध्यक्ष रहे या कई बार बाद में ही पूछ लिया जाता है उसके बाद इनकी रचनाएं हैं ग्लिप्साज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री झलकियां हैं ये विश्व इतिहास की देखिए तो इतिहास के ऊपर काफी काम किया था गांधी जी ने एक आप मज़ेदार चीजें देखें कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो पुरोधा थे वो ना अधिकांश बहुत अच्छे विद्वान थे चाहे वो लोकमान्य तिलक हैं चाहे लाल बहादुर शास्त्री हैं चाहे गांधी जी खुद हैं जवाहरलाल नेहरू हैं चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं इन्होंने बहुत काम किया है लिटरेचर के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है तो ये सब बौद्धिक व्यक्ति थे जी खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे इनकी पुस्तक है ऑफ़ वर्ल्ड फिर लेटर टू हर डॉटर ए फादर लेटर टू हर डॉटर ये इंदिरा गांधी को लिखे गए उनके पत्र हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1942 में जब देश की आजादी के लिए अंतिम आंदोलन छेड़ा गांधी जी ने करो या मरो डू एंड डाई वाला उसके बाद उन्होंने जेल में ये पुस्तक लिखी थी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत खोज इसका बाद में वो नाट्य रूपांतरण भी हुआ है और टीवी के ऊपर दूरदर्शन पे ये बहुत फेमस भी था और फिर एक नेहरू की बायोग्राफी लिखी हुई है वो माइकल ब्रेसर ने लिखी है नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी एक होती है ऑटोबायोग्राफी एक होती है बायोग्राफी बायोग्राफी जब कोई दूसरा लिखता है किसी की जीवनी तो बायोग्राफी और खुद अपना लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होता है जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद लिखी है तो ये कई बार माइकल ब्रेसर का ये भी पूछा हुआ है कि नेहरू ए पोलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी थी विचार देखिए बड़ी बड़ी बातें हैं और आपस में सारी इंटरकनेक्टेड है ये दक्षिणपंथी नहीं थे बल्कि ये थोड़ा झुकाव इनका वाम और विज्ञान की और इनका झुकाव और तर्क की और झुकाव था और ये आधुनिक प्रवृत्तियों से प्रभावित थे चूंकि यूरोप में पढ़ के आए थे इनके अधिकांश शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई थी तो ऐसे इनके विचार थे नेहरू जी आधुनिकीकरण के औद्योगिकरण और विज्ञानवाद के समर्थक थे क्योंकि आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनके समर्थक थे और ये कहा करते थे कि अगर देश को जाहिली से अशिक्षा से गरीबी से निरक्षरता से और अंधविश्वासों से अगर मुक्ति दिलवानी है तो ये विज्ञान उद्योग और, और यही दिलवा सकते हैं इनका जो मानवतावाद था वो वैज्ञानिक मानवतावाद था किसी भी धर्म से जाति से संप्रदाय से या देवताओं से प्रेरित नहीं था बल्कि वैज्ञानिक सोच थी वो था इनका वैज्ञानिक मानवतावाद मानवतावाद होता है कि सब चीजों के सेंटर में मानव है और मानव कल्याण प्रथम है मानव की सेवा सर्वप्रथम है धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे ये बहुत भारी विरोधी थे धार्मिक दलों के धार्मिक समूहों के और वो धार्मिक दल और धार्मिक समूह जो राजनीति में भागीदारी करते हैं देखिए गांधी जी से इस संदर्भ में ये विपरीत है गांधी तो ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता जबकि नेहरू जी धर्मनिरपेक्ष राज्य और राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप के खिलाफ थे तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे उसके बाद हम इनका राष्ट्रवाद देखते हैं प्रबुद्ध या सकारात्मक राष्ट्रवाद देखिए राष्ट्रवाद के कई प्रकार होते हैं एक होता है उग्र राष्ट्रवाद जिसको राष्ट्रवाद भी बोलते हैं वर्तमान में हमारे देश में इसका दौर चल रहा है उग्र राष्ट्रवाद अंधराष्ट्रवाद का बिना किसी तरक के बिना किसी दूसरे का पक्ष जाने आप सिर्फ अपने ही पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप कहते हैं कि आप उग्र और अंध राष्ट्रवाद के प्रेरक है और अंध राष्ट्रवाद कई बार बहुसंख्यकवाद का भी रूप ग्रहण कर लेता है जैसे कि हिटलर के समय हुआ था जर्मनी में दूसरा होता है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद वर्तमान का जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक या ये कह लीजिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद का मिला जुला रूप है जो वर्तमान में इस देश में चल रहा है इस आध्यात्मिक राष्ट्रवादी के रूप में हमने व्यापक सोच के एक व्यक्ति अरविंदो घोष की चर्चा की थी और तीसरे प्रकार का है सकारात्मक राष्ट्रवाद या इसको अपन प्रबुद्ध एनलाइटन या समझदार वाला राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं इसमें यह कहा जाता है कि जियो और जीने दो सिर्फ आप ही श्रेष्ठ नहीं है आपके विचार ही श्रेष्ठ नहीं है आपकी संस्कृतियां संस्कृतियाँ ही श्रेष्ठ नहीं है बल्कि सारे ही जो इस दुनिया में सबके अलग अलग विचार हैं विचार स्वतंत्रता है सबको अपने हिसाब से जीने का हक है सांस्कृतिक बहुलवाद में विश्वास करता है कि आप राष्ट्रवाद के जो प्रतीक है उसकी एक संस्कृति के खड़े नहीं करें यह संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद है संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद है मिला जुला सर्वभौमिकवाद की हम सब एक हैं संश्लेषण हमारा किया जाएगा तो हम अलग नहीं है मानव के रूप में मानवता के रूप में मानवीय प्रेम के रूप में इसका वर्णन कर सकते हैं इनकी बहुत ही फेमस कोट है नेहरू जी की राष्ट्रवाद अविश्वस्त मित्र वह असुरक्षित इतिहासकार है राष्ट्रवाद अविश्वसनीय मित्र है और असुरक्षित इतिहासकार है इसका तात्पर्य है कि अगर आप राष्ट्रवाद का ये अंधराष्ट्रवाद के संदर्भ में कह रहे हैं कि जो आपका अंध राष्ट्रवाद होता है वो आपका स्थायी मित्र नहीं होता जैसे हमने देखा श्रीलंका में लिट्टे के सफाई के लिए वहां के एक पूरा परिवार था वो आगे आया और वो देवता की तरह पूजे जाने लगा उन्होंने श्रीलंका ही राष्ट्रवाद को और अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और बहुसंख्यक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया सिंहलियों ने तमिलों को दबाने के लिए और आज हम ये हालात देख रहे हैं कि श्रीलंका एक फेल राष्ट्र है उस राष्ट्रवाद की वजह से तो ये किसी का भी साथी नहीं है अविश्वस्त मित्र है अगर हमारे देश में ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ती है तो देश को नुकसान होता है जैसा नुकसान हम श्रीलंका में देख चुके हैं और ये असुरक्षित इतिहासकार है कि इतिहास में ऐसे लगता है कि राष्ट्रवादियों का ही है लेकिन जब जब उग्र राष्ट्रवाद फैला है तो हमने जर्मनी को फैल होते हुए देखा है हमने इटली को फैल होते हुए देखा है और हमने श्रीलंका का तो तत्काल और प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है तो ये कोई अच्छा इतिहासकार भी नहीं है नेहरू जी आगे लिखते हैं कि एशिया में जो समाजवादी आंदोलन है वो राष्ट्रवाद का शत्रु है इसका तरह एशिया में जो समाजवाद आएगा वो राष्ट्रवाद को नहीं मानता देखिए समाजवादियों की बात सही है ये सही कह रहे हैं कि समाजवादी होते हैं उनका ये मानना होता है कि सारी दुनिया के लोग एक हैं सारे मजदूर एक हैं सारे मजदूर तुम एक हो जाओ तो एशिया में जो समाजवादी आंदोलन फैला वो राष्ट्रवाद का शत्रु था ये कहना है नेहरू जी का पर दरअसल देखिए ऐसा है नहीं माओ का जो पूरा साम्यवाद है और समाजवाद है वो पूरा राष्ट्रवाद की नींव के ऊपर ही खड़ा है भारतीय साम्यवाद था ये जरूर थोड़ा सा भटका हुआ था ये कभी सोवियत संघ के पक्ष में था कभी चाइना के पक्ष में था सीपीआई सीपीएम के आपसी झगड़े थे लेकिन धीरे धीरे इनके भी समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद एक मुख्य प्रवृत्ति है कोई भी दल उससे दूर नहीं रह सकता तो हालांकि आज भी भारत में जो सीपीआई सीपीआईएम है ये राष्ट्रवादी दल नहीं है लेकिन मजबूरी में ये राष्ट्रवाद का विरोध भी नहीं कर पाते और जब जब इन्होंने विरोध किया इनका सफाया हुआ है तो देखिए नेहरू जी का ये आंशिक सत्य लगता है मुझे कि एशिया में समाजवादी आंदोलन राष्ट्रवाद का शत्रु है तो ये कोटेशन फिर ये पूछ लेते हैं कैसे थे ये प्रबुद्ध सकारात्मक राष्ट्रवादी थे सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी थे भी सही संस्कृति सभी संस्कृतियों को बराबर फलने फूलने का मौका मिले संश्लेषणात्मक इसको सार्वभौमवाद बोलते हैं और ये टेगोर से आया हुआ है इनके जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो विचार थे, उनके राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो ज्यादा प्रभावित है वो रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित है अब इनका समाजवाद ये लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रेरक है वो समाजवाद जो कहता है लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से भी समाजवाद को लाया जा सकता है आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है गरीबी और मजबूरी और को कम किया जा सकता है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद ये जो जो समाजवादी थे और लोस्की बाद में जो तो बहुत बड़े विद्वान थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल थे पॉलिटिकल साइंस के इतने बड़े विद्वान बाद में वहां की फेबियनवाद से प्रभावित एक पार्टी बनी थी लेबर पार्टी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं है अर्ध समाजवाद है इसमें आधा उदारवाद है आधा समाजवाद है उदारवाद का तात्पर्य है कि ये स्वतंत्रता पे बल देते हैं ये मानवीय गरिमा पे बल देते हैं ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वायत्ता पे बल देते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद के ऊपर बल देते हैं अर्ध समाजवाद इसका तात्पर्य है कि ये समानता पे बल देते हैं ये केंद्रीय नियोजन पे बल देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये अर्ध समाजवादी अर्ध उदारवादी और अर्ध समाजवादी यानी इसमें स्वतंत्रता भी है और इसमें समानता भी उदारवाद व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता ले ली है और समाजवाद ने आर्थिक समता और गरीबी दूर करने के विचार ले लिए और एस में इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार कर ली है मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी पूंजी का अस्तित्व भी बना रहता है और पूंजी सार्वजनिक भी होती है हमारे यहां टिस्को जैसी प्राइवेट जो बड़ी स्टील की मिल थी वो उद्योग था वो भी काम करता है और अपने यहाँ सरकारी स्टील की कंपनियाँ भी काम करती है अपने यहाँ सरकारी बसेज भी चलती है और प्राइवेट बसेज भी चलती है सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं तो ये सारे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रेरित मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वो अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक स्वामित्व का मेल बिठाया जाता है तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है ये अर्ध उदारवाद और अर्ध समाजवाद यानी इसमें समाजवाद और उदारवाद दोनों के ही मुख्य मुख्य तत्व हैं और इनकी अर्थव्यवस्था मिश्रित है तो क्या ये पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू निजी पूंजी के स्वामित्व के या पूंजी के निजी स्वामित्व के समर्थक थे तो बिल्कुल थे ये उदारवाद उनका यही दिखाता है क्या वो पूंजी के ऊपर सार्वजनिक नियंत्रण चाहते हैं क्या हाँ वो ये भी चाहते हैं क्योंकि दोनों के मध्य में गांधी और नेहरू में भेद क्या था गांधी और नेहरू में भेद एक तो इस मुद्दे को लेकर इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि गांधी राजनीति और धर्म का अटूट संबंध मानते थे जबकि नेहरू जी ऐसा नहीं मानते वो धर्म और राजनीति को पूर्णतः पृथक करना चाहते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना करना चाहते हैं ट्रस्टीशिप इस मुद्दे को लेकर विरोध गांधी जी का जो समाजवाद लाने का तरीका है गरीबी दूर करने का तरीका है वो है ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता सिद्धांत जिसमें एक पूंजीपति है वो पूंजी का निजी मालिक बना रहता है लेकिन खर्च उसका सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करते हैं नेहरू जी को यह तरीका पसंद नहीं था क्योंकि इस तरीके से वास्तव में सुधार होते नहीं है इनका ये मानना था नेहरू जी का तो फिर क्या किया जाए तो फिर उन्होंने ट्रस्टीशिप की बजाय सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण की वकालत की और इसके लिए सार्वजनिक उद्योग धंधों की शुरुआत की सार्वजनिक जो सेक्टर था उसका विकास किया गया सरकारी स्कूलों की स्थापना की गई सरकारी संस्थान खड़े किए गए ये सब किया गया ये नेहरू जी ने खड़ा किया दूसरा इनका विरोध था वो कुटीर उद्योग और चरखास्त्र से था गांधी जी हमेशा ही मशीनीकरण के और उद्योगिकरण के विरोधी थे और वो चाहते थे कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए इसी को हम चरखा अर्थशास्त्र बोलते हैं छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए नेहरू जी कहते थे कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है और जिस हिसाब से वैश्विक स्तर के औद्योगिकरण हुआ है अगर देश को विकास करना है तो औद्योगिकरण से ही होगा और बड़े उद्योगों की स्थापना से होगा तभी महालोनिस मॉटल आए थे ये तो ये गांधी जी के कुटीर उद्योग और चर्ख अर्थशास्त्र के विरोधी है संसदीय लोकतंत्र इस मुद्दे पे दोनों पे मतभेद है गांधी जी कहते हैं कि जो संसद है वो बांझ और वेश्या की तरह होती है तो संसदीय लोकतंत्र के भारी विरोधी थे गांधी जी लेकिन संसदीय लोकतंत्र के कट्टर समर्थक हैं नेहरू जी गांधी जी दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी का यह कहना था ये जो दल होते हैं ये आपस में कुटिलता फैलाते हैं ये सत्ता संघर्ष करते हैं जनता के कल्याण से इनका लेना देना नहीं होता जबकि नेहरू जी का यह मानना था कि बिना दलों के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता दल तो अत्यंत आवश्यक होते हैं और हमने यूएस में देखा भी कि यूएस के जो प्रारंभिक

अब हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इनके ऊपर कि नेहरू है पोलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी तो ये लिखी हुई है आप देख ले एक बार अभी हम चर्चा करके हटे हैं ये लिखी है माइस्कल ब्रेसर ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संदर्भ में यह किसने कहा कि हमारे लिए विश्व के वस्तुगत माल का उत्पादन करना मात्र ही पर्याय पर्याप्त नहीं है पर्याय नहीं है हम जीवन से ऊंचा चाहते हैं परंतु तो मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा उसके अन्वेषण की भावना की कीमत पर नहीं लोकतंत्र केवल निर्वाचन का प्रश्न नहीं है लोकतंत्र व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है ये दोनों चीजों को मिला दिया है स्वतंत्रता को और समानता को सृजनात्मकता को तो इसके अब तो चूंकि आप कर ही रहे हैं दे आपको पता ही है कि ये जो कोटेशन है वो बाई चांस पूछ रहे तो आप याद रखें ये जवाहरलाल नेहरू की है नेहरू के राजनीतिक विचारों से साम्यता नहीं रखने वाला वाक्यांश है संशलाषणात्मक व उदार राष्ट्रवाद बिल्कुल है आध्यात्मिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं देखिए ये इस प्रकार के राष्ट्रवादी नहीं थे तो ये वाला वाक्यांश है ये नहीं रखता अंतरराष्ट्रीय शांति व सहयोग पर आधारित वैश्विक व्यवस्था बिल्कुल सही है पारस्परिक सम्मान व संप्रभुता आधारित अंतरराष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल सही है तो ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ये समर्थक नहीं थे चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिए देखते हैं कि नेहरू अपनी प्रारंभिक राजनीतिक उम्र में उदारवादी व नर्म समूह की राजनीति से प्रेरित नहीं थे उनका मानना था कि व्यक्तिगत व राष्ट्रीय आत्म सम्मान के लिए विदेशी शासन के प्रति आक्रामक रवैया अपनाना आवश्यक है मैं आपको ये बता दूं कि पहला वाक्य ना नहीं सही है शुरुआत में इनकी जो नरमपंथी नीतियां थी कांग्रेस की उसके समर्थक नहीं थे अब बताएं कि आप दूसरा उसकी व्याख्या कर रहा है क्या तो आपके उत्तर भी आना शुरू नहीं हुआ है आपने बच्चा बी उत्तर दे दिया क्या इसका कौन से का दे दिया मुझे नहीं पता मुझे आपकी जो ये टीवी की स्क्रीन है इसके ऊपर बी उत्तर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलो तो मैं लॉक कर देता हूँ कंप्यूटर जी तो क्या लॉक करेंगे मैं ही कर देता हूँ इसका उत्तर ए सही है देखिए ये वास्तव में इसकी व्याख्या तो कर रहा है ये क्यों थे ऐसे तो इस वजह से ऐसे थे तो आप देखिए जब भी आपके कथन कारण वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो या तो या क्यों के लगा के देख लें उससे भी नहीं चलता मैं कह रहा हूँ कोई बीस पच्चीस परसेंट क्वेश्चन ही होते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप दोनों को ध्यान से पढ़ें कि दोनों कोई अलग अलग वाक्य तो नहीं है अगर पहला और दूसरा वाक्य आपसे जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि दूसरा वो पहले की व्याख्या कर रहा है और फिर और कौन सा तरीका है और कोई तो वैज्ञानिक तरीका नहीं है इसमें सी डी को आप पहचानना सीख ही गए हैं जितना आप एक साथ पचास साठ क्वेश्चन करके देखें आप ये देखेंगे कि ए और बी वाला जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे आपका दूर होने लगता है इसको हवा नहीं बनाए निजी संपत्ति का अनुमान नहीं करते हुए आधारभूत व प्रमुख उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व तो को नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या नाम दिया है तो उसको नाम दिया है उन्होंने लोकतांत्रिक समष्टिवाद कि लोकतांत्रिक रूप से समष्टिवाद है सब को समाहित करने वाला इसको लोकतांत्रिक समष्टिवाद बोलते हैं तो ये हमने नेहरू जी के ऊपर कुछ चार पांच क्वेश्चन भी करके देखे जो महत्वपूर्ण थे जरूरी नहीं कि है कि ये अति महत्वपूर्ण ही हो आप करके जाए मेरे आपको तरीका बताया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं नेहरू जी के ऊपर तो हमने एक विचारक के रूप में

क्या अच्छा है क्या बुरा आप निर्णय करें कोई आपकी बुद्धि पे कब्जा करके आपसे निर्णय नहीं करवाए आप रोबोट नहीं है आप मशीन नहीं है मान के चलिए तो आप जब भी आलोचना पत्र आलोचनाएं करें चाहे आप गांधी की करें नेहरू की करें अंबेडकर की करें मोदी की करें इंदिरा गांधी करें राजीव गांधी की करें या अमित शाह की करें पहले उनके बारे में आप पूरी जानकारी इकट्ठे कर लें उसके बाद आलोचनाएं करें विरोधी हों समर्थक हों जो भी आपकी इच्छा है राम मनोहर लोहिया मूलते यूपी के थे और समाजवाद के महान पुरुधाओं में इनकी गिनती आती है यूपी की जो मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव वाली जो पार्टी है वो पार्टी समाजवादी पार्टी इन्हीं के आदर्शों के ऊपर बनी हुई है तो स्वतंत्र भारत में समाजवाद का मुख्य चेहरा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जर्मनी से पढ़ के आए थे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे 1934, देव, जे.पी. नारायण, अशोक मेहता और इन सब लोगों ने एक पार्टी बनाई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी यह पार्टी नहीं था दरअसल एक प्रेशर ग्रुप था जो कांग्रेस के अंदर ही काम किया करता था जैसे कि रजनी कोठारी कह के गए कांग्रेस एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी धाराएं अंदर ही अंदर बहती रहती है सबका स्वायत्त और स्वतंत्र वजूद भी है लेकिन एक साथ समुद्र में जाके मिलती भी है वो समुद्र था कांग्रेस तो ऐसी एक धारा थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस की नीतियों का रुझान समाजवाद की ओर करना चाहती थी ऐसे लोगों का एक प्रेशर ग्रुप था ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी लोहिया जी जब जर्मनी से पढ़ के आए तो सबसे पहले इसी पार्टी से वो जुड़ गए और देश की आजादी तक वो इसी पार्टी से जुड़े रहे। इन्होंने हिंद किसान पंचायत की स्थापना आंदोलन पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा के ऊपर बाद में उन्नीस सौ में जाके फिर गोवा आजाद हुआ इन्होंने भारत और पाक महासंघ बनाने की चर्चा की इन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक सुझाव दिया और इनके इस सुझाव में दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल थे सुझाव ये था कि भारत और पाक एक तो नहीं हो सकते देखिए जैसे पहले थे लेकिन इनमें दोनों में एक अच्छा महासंघ बनाया जा सकता है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इनका एकीकरण किया जा सकता है व्यापार का एकीकरण किया जा सकता है सीमाओं को थोड़ा सा खोला जा सकता है लोगों के आपसी संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाया जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पे दोनों एक आवाज में बोल सकते हैं इनके झगड़े को समाप्त करने के लिए दोनों एकीकरण के बजाय एक महासंघ बना लें जैसे आज यूरोपीय देशों का आपसे गठबंधन है भारत और पाकिस्तान वैसा ही गठबंधन तैयार कर ले और ये देश की आजादी के बाद कांग्रेस कौं, कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस का सफाया कैसे किया जाए इसके मुख्य रणनीतिकार ये ये थे विरोधी पार्टियों को एक करना उनके महागठबंधन बनाना फिर उनको चुनाव में उतारना ताकि कांग्रेस को टक्कर दी जा सके और 1967 के जो आम चुनाव थे

आगे कुछ और तथ्य देखते हैं उनकी रचनाएं देखते हैं इनकी रचना है, कि इतिहास का है वो चलता कैसे है कुछ तो ये कहते हैं कि इतिहास का चक्कर ऐसे चलता है कुछ कहते हैं कि इतिहास आगे की तरफ बढ़ता रहता है कभी पीछे नहीं आता कुछ कहते हैं घूम के वहीं आ जाता है तो इन्होंने व्हील ऑफ हिस्ट्री की चर्चा की है कि इतिहास का चक्कर चलता कैसे है हम आगे थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एक है इनकी विल टू पावर एक है गिल्टी मैन ऑफ कि भारत का जो पार्टीशन हुआ भारत का अलगा हुआ पाकिस्तान के इसके लिए जुम्मेवार व्यक्ति कौन है गुनागार कौन है ये है फिर है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म देखिए ये पुस्तक आप जरूर करके जाए मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म ऐसी कंपैरिजन वाली कई पुस्तकें हैं उनका आप ध्यान दे लें ये पुस्तक चूंकि हमारे संदर्भ में आएगी तो लोहिया के संदर्भ में आ सकती है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म गांधी के जब पढ़ रहे थे तब भी मार्क्स एंड गांधी पढ़ा था मसरू वाला की हमने एक पुस्तक पढ़ी थी ये मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म है फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड और इनके दो न्यूज़पेपर थे एक जन था हिंदी में और एक मैनकाइंड निकलता था हिस्ट्री में बहुत बड़े बौद्धिक व्यक्ति थे मनोहर लोहिया तो आप इनकी मुख्य मुख्य ये पुस्तक जरूर याद रखें ऑफ हिस्ट्री दूसरा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म ये तीन पुस्तकें तो आप जरूर याद रखें अब इनके राजनीतिक विचार देखते हैं इनका पहला महत्वपूर्ण विचार है समान दूरी का सिद्धांत उन्नीस सौ के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई और समाजवादी पार्टी के नाम से इसका गठन हो गया बाद में एक प्रजा लोकतांत्रिक पार्टी थी वो भी इसमें मिल गई और समाजवादी पार्टी का नाम प्रजा समाजवादी पार्टी हो गया इसके एक नेता थे अशोक मेहता वो ये कहा करते थे कि हमें कांग्रेस का संसद के अंदर और बार बहुत जोरदार विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की अगर हमने विरोध किया और हमने ये कहा कि हम समाजवादी है तो कांग्रेस समाजवाद से दूर होती जाएगी तो हमें देश की आजादी के बाद नेहरू के नेतृत्व में जो समाजवादी नीतियां बनाई जा रही है उनका हमें समर्थन करना चाहिए ताकि कांग्रेस का झुकाव धीरे धीरे समाजवाद की ओर बढ़ता जाए अगर हमने समाजवाद का ठेका ले लिया अशोक मेहता बोले तो फिर कांग्रेस समाजवाद से दूर हो जाएगी और वो पंजीवाद का रास्ता पकड़ लेगी तो ये कहते थे कि पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक हैं कि हमें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए तो ये एक जो कोटेशन है पिछड़े हुए अर्थतंत्र की या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक मजबूरियां ये बहुत ही फेमस कोटा है और ये कई बार पूछा हुआ है ये अशोक मेहता का है जो कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे अशोक मेहता जिनके नेतृत्व में फिर पंचायती राज समिति बनी थी अशोक मेहता समिति जो उन्नीस में बनी थी जब जनता पार्टी की सरकार आई और मुरारजी जब प्रधानमंत्री बने तो वो यही अशोक मेहता है तो पिछड़े हुए कि हमें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए लोहिया ने इनका विरोध करते हुए अशोक मेहता का समान दूरी का सिद्धांत दिया ये बोला कि हमें दो प्रकार की दल है दो, दो राजनीतिक दल है। एक है सीपीआई उन्नीस सौ और बाउन तिरपन की बात कर रहा हूं और दूसरा है अलग प्रकार का पूंजीवाद मिश्रित समाजवाद लाना चाहती है।, है तो लोहिया तो जी का कहना था तो न तो हमें सीपीआई की तरफ जाना है और न ही हमें कांग्रेस की तरफ जाना है बल्कि हमारा समाजवाद का तरीका बिल्कुल इनसे अलग है इन्होंने कहा कि सीपीआई और कांग्रेस दोनों से ही समान दूरी रखनी चाहिए तो यह समान दूरी का सिद्धांत है अशोक मेहता की के खिलाफ फिर उन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ में चौखंबा सिद्धांत दिया कि देश में लोकतंत्र कैसा हो तो ये बोला चार खम्भों पर टिका हुआ होना चाहिए एक खंबा गांव है फिर मंडल है फिर ऐसे राज्य और राष्ट्रीय करके ऐसे चार खम्भों की ये चर्चा करते हैं जिनके ऊपर ये लोकतंत्र टिका हुआ होगा यानी एक कोई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है ये बिल्कुल गांधी जी का जो लोकतांत्रिक लहरों का सिद्धांत उनकी तरह ही है ये कहते हैं कि लोकतंत्र में केंद्रीयकरण को खत्म किया जाए और विकेंद्रीकरण को बढ़ाया जाए और जो पिरामिडीय लोकतंत्र है उसकी बजाय चार खंबे हैं जो चारों पिलर एक दूसरे से जुड़ के भी रहते हैं और हम देखते हैं कि चारों एक दूसरे से स्वायत्त भी होते हैं कभी आपने मकान का अगर आधारभूत ढांचा देखा है तो उसमें चार पिलर है चारों का स्वतंत्र वजूद भी होता है और चारों एक दूसरे के छत के माध्यम से जुड़े भी होते हैं तो ये थी फोर पिलर थ्योरी तो पहले ये आपका गांव फिर आपका खंड उसके बाद राज्य और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर ये चार प्रकार के सरकारों की चर्चा करते हैं ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्ता का उपभोग करेगी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई भी होगी जैसे खंबे आपस में जुड़े रहते हैं तो ये था चौखंबा सिद्धांत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक स्वायत्तता का और एक दूसरे की जो राजनीतिक जो इकाइयां हैं उनकी स्वायत्तता का सप्त क्रांति 1966 में कोटा में इन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया सात क्रांति देखिए सप्त क्रांति मुझे लगता है प्रेरणा स्रोत है जेपी नारायण की

तो चौखंबा सिद्धांत सप्त क्रांति और समान दूरी का सिद्धांत उसके बाद इन्होंने दिया है स्थाई नागरिक अवज्ञा। कि क्या जब कोई बड़ी घटना घटे, तभी हमें कानूनों को भंग करना चाहिए और सिविल डिस करना चाहिए स्थायी रूप से यह कहता है कि अगर सरकारों को आपको जागृत रखना है और राज्य आपके अधिकारों को छीन नहीं ले आपके राइट्स के ऊपर उसका वो डाका नहीं डाले आपके अधिकारों के ऊपर इसके लिए जरूरी है कि आप स्थायी रूप से नागरिक अवज्ञा के आंदोलन चलाते रहें आप परमानेंट रिवॉल्यूशन की तरह है जिसकी चर्चा टाटस की करता है जिसकी चर्चा बाद में माओ भी कहता है कि जो परिवर्तन है आंदोलन है ये सतत रूप से चलते रहने चाहिए ये नहीं है कि पांच साल बाद जब चुनाव होंगे तभी हम आंदोलन करेंगे कारावास कुदाल और मतदान कारावास का तात्पर्य है आप परमानेंट सिविल करते रहे स्थाई नागरिक अवज्ञा करते रहे सरकार के काले कानूनों को भंग करते रहे जैसे गांधी जी किया थे नमक का काला कानून कुदाल का तात्पर्य आप शारीरिक श्रम करते रहे अपने अपने काम भी करते रहे किसान है तो किसानी करते रहे और मतदान का तात्पर्य जब भी मौका मिले तो मतदान के माध्यम से तात्कालिक सत्ताएं जो शोषणकारी उनको आप बदल दें तो कारावास कुदाल और मतदान एक साथ चलते रहने चाहिए फिर उन्हें दिया तात्कालिकता का सिद्धांत इनकी बहुत ही फेमस कोट है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी वो ये थी कि जिंदा कौमे पांच साल इंतजार नहीं करती इसका तात्पर्य क्या है कि जिंदा कौमे पांच साल इंतजार नहीं करती कि जो जिंदा है कौम वो पांच साल इंतजार क्यों करेगी पाँच साल का तात्पर्य है कि हमारा एम हमारे एम हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मंत्री संतरी अगर हम पे अत्याचार कर रहे हैं अगर वो अपराधी हैं अगर वो भ्रष्ट हैं अगर वो जनहित में कदम नहीं उठा रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं पाँच साल बाद चुनाव आने दो हम इनको देख लेंगे तो इनका कहना है कि पांच साल इंतजार मत करो जैसे आपको पता चला कि आपका कोई जनप्रतिनिधि है वो भ्रष्ट है व्याभिचारी है जनहित में कदम नहीं उठा रहा है या वो आतंकवादी है किसी भी रूप में हिंसक व्यक्ति है वो और समाज के लिए घातक है तो आप उसका उसी दिन से विरोध शुरू कर दीजिए तब ये कहते हैं कि जिंदा को मैं साल इंतजार नहीं करती ये सुविध्य अवज्ञा और विरोध है ये पूरे पांचों साल जारी रहते चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती अब इनका जो एक और विचार है इनका ये कहना है कि जो यूरोपियन समाजवाद के जो विचार हैं चाहे वो कार्ल मार्क्स हो चाहे लेलिन हो चाहे टाटस की हो और चाहे वो कार्ल काटस की हो चाहे वो रोजा लग्जमबर्ग हो चाहे वो स्टालिन के विचार हो यानी चाहे वो ग्रामसी के विचार ही क्यों ना हो ये सारे विचार हो सकता है कि यूरोपीय संदर्भ में तो सही हो लेकिन एशियाई और भारत के संदर्भ में इनको सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यूरोपियन समाज और एशियन समाज है ये अलग अलग है अब अगर हम यूरोपीय समाज को देखें कि अलग कैसे है कि एशियाई समाज और यूरोपीय समाज में अंतर क्या है यूरोप का समाज वर्ग में बनता हुआ है अमीर और गरीब में बंटा हुआ है जबकि भारतीय समाज है वो जाति के हिसाब से बनता हुआ है यानी निर्जातीयता और जातीयता और धर्म का यहाँ ज्यादा आस्ेप है तो लोगों का बंटवारा एशियाई समाज में गरीब और अमीर के आधार पर नहीं हो रखा है बल्कि ये बंटवारा हो रखा है धर्म जाति और गरीबी के आधार के ऊपर यानी यहां जाति और गरीबी जुड़ी हुई है जबकि यूरोप में वर्ग और गरीबी जुड़ी हुई है वहां एक गरीब है जो एक वर्ग एक अमीर दो ही वर्ग पाए जाते हैं भारत में जो दलित हैं पिछड़ी जातियां हैं ये जातियां हैं जिनके पास संसाधन नहीं है वो गरीब है तो भारत में ऐसा विभाजन पाया जाता है एशिया में धर्म जाति और राजनीति का आपस में घालमेल पाया जाता है जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है तब इन्होंने कहा एक और इनका बड़ा फेमस कोर्ट इसको आप याद रखें कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है तथा राजनीतिक अलपकालीन धर्म इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है इनका कि जो धर्म है वो दीर्घ काल की राजनीति है यानी दीर्घ काल में धर्म काय से जुड़ जाता है राजनीति से और ये उसके ऊपर हावी हो जाता है और राजनीति क्या है सेवा करने का एक अल्पकालीन धर्म है यानी धर्म तो दीर्घ काल तक सेवा करता है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है जो हमारी सेवा के लिए बना हुआ है तो उनकी बहुत ही फेमस कोट है ये आप जरूर याद रखें आती है कई बार एग्जाम में फिर उन्होंने कहा कि यूरोपीय समाजवाद में इथोस लोकाचार उत्साह और बोल्डनेस का अभाव है तो यूरोपीय समाजवाद में इन्होंने तीन कमियां बताई है ये क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर वगैरह में आया हुआ है होता है लोकाचार यानी जनता की सेवा और जनता को जोड़ने में असफल होता उत्साह और बोल्डनेस का अभाव है तो समाजवाद में तीन कमियां बताई है और इनका यह कहना है कि नेहरू जो अपने आप को समाजवादी कह रहे हैं कि ये कहना ढोंगी है तो नेहरू को ढोंगी और शबदाज वाला समाजवादी किसने बताया तो वो बताया राम मनोहर लोहिया ने कि ये समाजवादी था लेकिन ये ढोंगी समाजवादी है नेहरू के लिए ये कह रहे हैं राम मनोहर लोहिया यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये कोटेशन आती है अब इन्होंने नवीन समाजवाद जो नया समाजवाद एशिया में स्थापित किया जाएगा उसके चार स्तंभ होंगे ये चौखंबा नहीं है वो चौखंबा तो अलग था वो तो लोकतंत्र के संदर्भ में था ये समाजवाद की विशेषताएं हैं जो भारतीय समाजवाद है या एशियाई समाजवाद है आर्थिक समानता होगी आर्थिक समानता लाने के लिए लोकतंत्र लाया जाएगा और लोकतंत्र का भी सेंट्रलाइज्ड मॉर्डर नहीं होगा बल्कि विकेंद्रीकरण किया जाएगा विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि पंचायती राज नगरीय स्वशासन तक लोकतंत्र को ले जाया जाएगा और इसके मूल में हिंसा नहीं होगी बल्कि अहिंसा होगी तो समानता लोकतंत्र और लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण और इन सबको स्थापना का तरीका अहिंसा ये चार स्तंभ बताए हैं इन्होंने आखिर हिस्ट्री इतिहास चलता कैसे देखिए आप चाहे पढ़े को या पढ़े आप कार्ल मार्क्स को या पढ़े फिर आप फ्रांसिस को इन्होंने अपने जो भी विचार है उनके अंदर इतिहास की गति बताई है इतिहास की गति के मूल कारण क्या है ये बताया कौन सी चीजें हैं जो इतिहास को धक्का देती है इतिहास आगे कैसे बढ़ता है इतिहास की गति का मूल कारण क्या है अगर हम भारत का इतिहास पढ़ें तो आपने देखा है कि इतिहास आगे कैसे बढ़ता है तो अगर आप चाहे वो इतिहास प्राचीन काल का देखें विशेष करके मौर्य काल से आप शुरू हो जाएं आप क्या पढ़ते हैं कि एक राजवंश दूसरे राजवंश से लड़ रहा है एक राजवंश समाप्त हो रहा है दूसरा राजवंश आ रहा है तो हमें ये ऐसे लगता है कि इतिहास कुछ नहीं है राजवंशों का आपसी संघर्ष है और कुछ नहीं है राजवंश झगड़ते रहते हैं लड़ते रहते हैं और इतिहास आगे बढ़ता रहता है अगर हम चर्चा करें हेगल की तो वो कहते हैं कि विचारों में आपसी द्वंद्व है विचार आपस में झगड़ते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है पहले एक विचार आता है वो थीसिस है वाद है फिर दूसरा उसका एंटी विचार आता है वो एंटी थीसिस है इनमें झगड़ा होता है फिर एक संवाद बनता है जो सिंथेसिस है फिर वो वाद बन जाता है तो ऐसे वाद प्रतिवाद और संवाद का आपसी द्वंद्व चलता रहता है और ये विचारों में होता है ये सब कुछ एक पहले एक विचार आता है फिर हमें लगता है ये विचार घटिया फिर उसका दूसरा विचार आता है फिर दोनों विचारों को टक्कर से एक नया विचार पैदा होता है लोही ये मार्क्स कह रहे हैं नहीं होता जो द्वंधो होता है विचारों में नहीं होता बल्कि वाद प्रतिवाद संवाद है वो जड़ पदार्थों के लिए होता है दो वर्ग हैं वो आपस में झगड़ते हैं आर्थिक संसाधनों के लिए तब इतिहास आगे बढ़ता है इन्होंने इतिहास का चक्रीय सिद्धांत दिया है इसमें ये कहते हैं जो द्वन्धो होता है वो वर्ग और जातियों के मध्य होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है वर्ग का तात्पर्य गरीबी और अमीरी और जातियां कि जातियां आपस में झगड़ती है चल अपन पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूं कैसे कि इससे पहले थे वो हो सकता है कि शुरुआत में जब बुद्ध के समय हम देखते हैं तो झगड़ा था क्षत्रियों और ब्राह्मणों का तो क्षत्रिय ब्राह्मणों के ऊपर हावी हो गए उन्होंने बहुत धर्म ग्रहण कर लिया उसी समय झगड़ा हुआ ब्राह्मणों का और व्यापारियों का व्यापारी हावी हो गए और वो बौद्ध धर्म की शरण में चले गए तो हमारे यहां बौद्ध धर्म फैल गया वापस फिर झगड़ा शुरू हुआ कुल मिला के आर्थिक संसाधनों के लिए हुआ है झगड़ा सारा सत्ता पे कब्जे के लिए हुआ है लेकिन इसमें दो तो वर्ग नहीं थे बल्कि जातियां थी बाद में फिर ब्राह्मण हावी हो गए फिर धीरे धीरे यहां आए वो हावी हो गए फिर अंग्रेज हावी हो गए उसके बाद अब जातियां झगड़ रही है वर्तमान का जो परिदृश्य है इसमें ओबीसी एससी और एसटी ये एक तरफ हो गए हैं और जनरल जातियां एक तरफ हो गई इनके मध्य चल रहा है और इतिहास ने पलटा क्या खाया है कि ये जातियां धीरे धीरे प्रबुद्ध होती जा रही है जातियां 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 दलित और जातिया। और आदिवासी ये जो समाज से में प्रभुत्व स्थापित करने वाली जातियां हैं जातिया है, उनको टक्कर दे रही है और खुद आगे आ रही है तो ये जातियां झगड़ रही है भारत में जो इतिहास है वो जातियों के झगड़े से आगे बढ़ता है और इनका बहुत ही जोरदार मुद्दा है कि यूरोप नहीं है कि यहाँ वर्ग हो या तो जातियां मानव इतिहास जातियों व वर्गों के बीच आंतरिक गति का इतिहास देखिए दो चीजों में द्वंद्व हो रहा है लेकिन हो किसमें रहा है जातियों और वर्गों के अंदर यानी गरीबी अमीरी और जातियों के आपस में लड़ाई है इनके बीच आंतरिक गति है जातियां शिथिल होकर वर्ग बन जाती है और वर्ग जब संगठित हो जाते हैं और वर्ग जब कट्टर हो जाते हैं तो वो बन जाती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है राम मनोहर जी लोहिया का ये किसने कहा कि जातियां स्थिर होकर वर्ग बन जाती है और वर्ग संगठित होकर जातियां बन जाते हैं तो ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा तो महत्वपूर्ण कौन है हेगल तो कहता है कि आइडिया महत्वपूर्ण है और काल मार्क्स ये कहते हैं कि मैटर महत्वपूर्ण यह कहता है दोनों ही महत्वपूर्ण है आइडिया और मैटर दोनों के मध्य ही द्वंद्व होता है दोनों ही इतिहास के मुख्य प्रेरक है, फिर आ गया इतिहास का चलता कैसे है कि? पहले था सतयुग फिर त्रेता आया फिर द्वापर आया अब कलयुग आ गया है में कोई आर्य आए होंगे फिर कोई और जातियां झगड़ी होगी द्वापर में जो झगड़ा है वो दो जातियों के मध्य है एक उच्च जातियां हैं दूसरी दलित और पिछड़ी हुई जातियां इनके मध्य आपस में दौ चल रहा है और ये जो पूरा प्रभाव है इनके ऊपर कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये सौरो टाइन भी स्प्रेंगर जैसे कुछ यूरोपीय विद्वान हैं इन्होंने कहा है कि इतिहास का चक्कर कैसे चला था? इसी से प्रेरित होकर इन्होंने इनकी चर्चा की है थोड़ी सी वापिस चर्चा चले तो फिर होगा क्या ये कहते हैं कि भारत में अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो दो चीजों को आपस में जोड़ना पड़ेगा भारत में जाति और गरीबी आपस में जुड़ी हुई है आप ये चाहें कि आप गरीबी खत्म कर दें तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप जातीय रूप से समानता नहीं ले आएंगे और आप कहते हैं कि आप जातिवाद समाप्त कर दोगे ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप गरीबी को दूर नहीं करेंगे तो ये कहते हैं कि भारत में जाति और गरीबी के ऊपर पूरा हमला करना होगा तब जाके काम चलेगा दोनों पे एक साथ हमला करना होगा क्योंकि भारत में जो गरीबी है वो जातियों के के <coughs> आधार दलित और पिछड़ी जातियां वो गरीब है शैक्षणिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी वो पिछड़ी हुई है तो आपको गरीबी और जाति के ऊपर एक साथ आपको दलितों को जातीय रूप से समानता दिलानी है बल्कि उनकी गरीबी दूर करनी है ही उनकी गरीबी दूर होगी उनका अपने आप वजूद कायम हो जाएगा तो इन दोनों को आपस में एक साथ दूर करना होगा जाति व गरीबी को तो भारत के संदर्भ में जाति और गरीबी का अटूट संबंध है ये बताया है राम मनोहर जी लोहिया ने उसके बाद इनके कुछ ये फैक्ट्स है। हैं ये कहते हैं भारत का जो समाजवादी आंदोलन है वो चार युग है उसके पहला है अदरक की जमाना या मिर्च ये तीखा है इसमें समाजवादी हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं ये जब समाजवादी पार्टी बनी थी 1934 में यानी एक कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप बना था कांग्रेस समाजवादी पार्टी तब से ये कहते हैं उन्नीस तक का युग था जब तक तो ही कांग्रेसियों ने इनको बाहर नहीं निकाल दिया तब तक ये जमाना है द्वितीय जो युग आया वो आया उफान वाला या दिखावटी ताकत का युग ये कहते तो थे कि हम कांग्रेस को सफाया कर देंगे हम ज्यादा समाजवादी है नेहरू से बड़े समाजवादी है लेकिन ये दिखावटी ताकत थी ये उफान आया और ठंडा हो गया तृतीय आया तोड़ व तनाव का युग जिसमें जब ये आपस में समाजवादी आपस में लड़ने लगे और बांती बांती की पार्टियां बना ली और फिर ये कहते हैं कि चतुर्थ युग आएगा जब समाजवादी पार्टी लोहिया के नेतृत्व पे बन गए तब ये कह रही है क्रांतिकारी युग है तो ऐसे चार युगों की चर्चा करते हैं तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लोहिया ने जो समाजवादी आंदोलन के चार चरण बताए हैं उनको आगे पीछे सेट कीजिए तो पहला है अदरख यानी ताकत वाला या तीखा दूसरा है दिखावटी ताकत तीसरा है जब पार्टी आपस में लड़ रही थी और चौथा है क्रांतिकारी युग इसी प्रकार इन्होंने एक मजेदार वर्णन किया है कि गांधीवादियों की श्रेणियां बताई है कि इस देश में गांधी जी के जाने के बाद तीन प्रकार के गांधीवादी हो गए एक है सरकारी गांधीवादी ये गांधी के नाम के ऊपर नेतागिरी करते हैं और बड़े बड़े पदों के ऊपर पहुंच गए राजनीतिक पदों के ऊपर उनमें से वो नेहरू जी की और पटेल इन सब की चर्चा करते हैं कि ये सरकारी गांधीवादी है दूसरे हैं मठी गांधीवादी मठी गांधीवादी वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े मठ बना लिए हैं

ये गांधी की पूजा इसलिए नहीं करते ताकि उनको सत्ता मिल जाए ये गांधी की फोटो इसलिए नहीं लगाते ताकि अपने आप के भ्रष्टाचारी रूप को शुद्ध दिखाया जा सके बल्कि ये तो गांधी के आलोचक हैं जो कुजात गांधी है और लोहिया जी कहते हैं कि हम ही इनके वास्तविक वो हैं उत्तराधिकारी है। क्योंकि गांधीवाद तब जिंदा नहीं रहेगा जब वो गांधी की जय जयकार बोलेंगे गांधीवाद तो तब जिंदा रहेगा जब हम गांधीवाद में सुधार के प्रयास करेंगे और नई नई चीजें लेके आएंगे तो स्वयं को कुजात गांधी बोलते हैं कि हम ही है गांधी के असली उत्तराधिकारी तो तीन प्रकार के गांधी है सरकारी गांधीवादी मठी गांधीवादी और कुजात गांधीवादी तो इनकी हमने चर्चा की अब आ गया भारत विभाजन के गुनागार कौन है कि भारत का जो विभाजन हुआ उसके कौन है गुनागार इंडिया विंस फ्रीडम कि भारत ने कैसे जीती आजादी उन्नीस में मौलाना आजाद ने ये पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इन्होंने दो लोगों को मुख्यतः जुम्मेवार माना है भारत के विभाजन के लिए एक है नेहरू और दूसरे है पटेल ये नेहरू और पटेल को भारत विभाजन के लिए जिम्मेवार मानते हैं इंडिया मीन्स फ्रीडम के अंदर इसी का विरोध करने के लिए फिर उन्होंने भारत विभाजन के गुनागार के नाम से पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि एक कारण ऐसे बहुत सारे कारण हैं तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कपट भी ये जो माउंट और लेडी माउंट की चालें थी नेहरू को प्रभावित करने की वो भी जुम्मेवार है कांग्रेस नेतृत्व का बुढ़ापा ये भी जिम्मेवार है क्योंकि नेहरू पटेल वगैरह सारे बूढ़े हो रहे थे और ये जल्दी जल्दी सत्ता प्राप्त करना चाहते थे कि जीवन कम बचा है तो जल्दी से जिस भी रूप में भारत मिले चाहे एकल मिले चाहे विभाजित मिले हमें ले लेना चाहिए हिंदू और मुसलमानों की उगड़ता आपसी झगड़े गांधी की अहिंसा जो रोक नहीं पाई हिंदू मुस्लिम झगड़ों को जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद आरएस जैसे से कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन और जमायत इस्लामी जैसी पता नहीं कौन कौन सी कट्टर मुस्लिम है दबाउस इन सब ने मिल के और भारत के विभाजन में योगदान दिया तो भारत विभाजन के लिए केवल गांधी और सॉरी नेहरू और पटेल ही जिम्मेवार नहीं है बल्कि बहुत सारे कारक हैं ये कह रहे हैं। और सबसे एक और कहते हैं कि भारतीय जनता भी है जो मुखर नहीं हुई एकीकरण को लेके बल्कि ये भी चाहती थी कि विभाजन हो जाए तो ठीक है तो हिंदू मुस्लिम दोनों जिम्मेवार है इस विभाजन के लिए तो ये थी इनकी पुस्तक भारत विभाजन के गुनहगार और उसके लिए मूल कारण कौन थे उसने ऐसे कारण मैंने तो आपको ही बताए हैं। तो आप बड़ा बड़ा ये याद रखें मौलाना आजाद ने उसके विरोध में लिखी गई थी अब क्वेश्चन आंसर करते हैं यह आपने देख रखा होगा ये पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाध्यता का विचार किसने दिया और फिर लोहिया जी ने उसके विरोध में समान दूरी का सिद्धांत दिया था तो आप देखते बता देंगे कि वो वो कौन है हैं अशोक मेहता अगला क्वेश्चन करते लोहिया ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कौन सा सिद्धांत दिया है देखिये कौन सा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आप अच्छी तरह से देखें आप सोचे इस मुद्दे के ऊपर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का और लोकतंत्र की स्थापना का इनका सिद्धांत है वो है चोखम सिद्धांत तीसरा क्वेश्चन कि वर्गों व जातियों तथा विचार प्रयोग के मध्य संघर्ष इतिहास में तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य में बुराई समाप्त नहीं हो जाती कि किसके मध्य झगड़ा वर्गों व जातियों के मध्य यहीं से आप आइडिया लगा लेंगे कि किसका है राम मनोहर लोहिया का है रोम नोहर का सबसे बड़ा योगदान उनका राजनीतिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा का विकास है विकेंद्रीकरण जा चला जाता और अपनी स्वतंत्रता खो देता है देखिए पहला वाक्य सही है मैं आपको बताऊं क्योंकि लोहिया ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हमने चौखं सिद्धांत की चर्चा कर ली नीचे वाला नीचे वाला उसी विकेंद्रीकरण की देखिए व्याख्या की गई है तो इसका जो उत्तर है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है यह है इसका उत्तर तो ये हमने लोहिया जी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए तो आपने मनोयोग पूर्वक राम मनोहर लोहिया जी उनकी व्हीलोपिस्ट्री भारतीय विभाजन के गुनागार ऐसी पुस्तकों की चर्चा की मेरे साथ आप थोड़ी सी उबासी उबासी ले लीजिए अगर नींद आ रही है थोड़ा आप आंखों पे पानी मारिए तरोताजा और तैयार हो जाइए दो ये आप सुन ही चुके हैं अब मैं आपसे जिस महान विचारक की चर्चा करूंगा वो विचारक हैं वो महान विचारक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी के साथ एक छोटी सी दिक्कत जो मुझे लगती है इनके साथ है, इनके जाने के बाद की मैं परिदृश्यों की चर्चा कर रहा हूँ जो स्नेर उभरा है भारतीय समाज में उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि अंबेडकर जी किसके हैं मैं कहता हूँ सबसे पहले अंबेडकर जी मेरे हैं अंबेडकर जी हम सबके हैं इस देश की नब्बे परसेंट जनता के अंबेडकर जी लेकिन हुआ क्या है पहले इनको अगड़ी जातियों ने धकेल दिया कि ये तो दलितों के हैं और फिर दलितों ने ये कहा कि ये कि तो हमारे हैं इनको और ज्यादा इनके ऊपर काबिज हो गई तो इनको एक वर्ग विशेष के नेता बना दिया गया जबकि तो सबके नेता हैं इस देश में हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदुओं में प्रगतिवादी सोच जो पैदा करने वाले व्यक्ति थे और महिलाओं की स्थिति सुधारने वाले व्यक्ति थे वो थे भीमराव अंबेडकर भले ही हिंदू कोड बिल दक्षिण पत्थी हिंदुत्ववादी तो शक्तियों की वजह से तात्कालिक रूप से पारित नहीं हो पाया था 1951 में लेकिन बाद में इसको टुकड़ों टुकड़ों में लागू किया गया तो ये मानिए कि पचास महिलाएं आज जिस स्थिति में विशेष करके हिंदू समाज की उनकी जो शिक्षा का स्तर है रोजगार का स्तर है आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर है वो काफी कुछ सुधरा है बाकी वर्गों की बजाय तो अम्बेडकर जी का योगदान सबसे ज्यादा क्योंकि हिंदू कोड बिल था वो महिलाओं को तलाक और ऐसे मुद्दों पे समानता का दर्जा देता है वो स्त्रियों को सशक्तिकरण करना चाहता है इसके लिए वो उसको पिता में प्रॉपर्टी में हिस्सा देता है स्त्रियों को बेटियों को तो 50 परसेंट महिलाएं आज ऋणी है अंबेडकर जी की उसके बाद अगर हम एस सी एस टी और ओबीसी की चर्चा कर लें तो देखिए मुझे लगता है कि कुल जनसंख्या का ये पैंतालीस पचास परसेंट ये बैठे गए और ईडब्ल्यू एस को और आरक्षण मिल गया है ये जो आरक्षण का जो पूरा विरोध था जो अगड़ी जातियां किया करती थी तो उनको तो खुद को आरक्षण मिल गया है और वो आरक्षण की शुरुआत अमेडगर जी से हुई थी सुधार के लिए कैसे हो समाज में सुधार हो गरीबा में सुधार तो आरक्षण आज इस देश के 90 परसेंट जनता चाहे वो महिलाएं हों

आप अगड़ी जाति के हैं या आप किसी एम. श्रीनिवासन ने कहा प्रभु जाति के हैं तो आप दुख नहीं समझ पाएंगे उन जातियों का जो सालों से शोषित और पीड़ित है तो कभी भी जब आप विश्वमन करें इन जातियों के खिलाफ जो पिछड़ी है दलित है गरीब है तो उससे पहले आप उनके साथ थोड़े दिन रह के देखें और वो जो मानसिक प्रताड़ना वो सहते हैं वो आप सह के देखिए फिर इनको गालियां दीजिए आप तो जैसे जैसे इस देश में दलितों का उभार हो रहा है तो देखिए सत्ता पलट रही है ओबीसी का उभार हो रहा है आदिवासियों का उभार हो रहा है तो कुछ पहले से ही जो सत्ता की दावेदार जातियां रही हैं और सत्ता सत्ताधीश रही उन जातियों के पेट में गुड़गुड़ -गुड़ हो रही है तो उन जातियों को यह समझना चाहिए कि इतिहास जैसा कि राम मनोर लोहिया भी कह गए रुकता नहीं है इतिहास जारी रहता है जातियां अलटती पड़ती रहती आगे पीछे होती रहती है तो इनके दावे को भी स्वीकार किया जाए मेरा तो ये कहना है जो पिछड़ी दलित तो और आदिवासी जातियां हैं तो ऐसे ही एक महान पुरुष को जो समाज के पिछड़े तबके को आगे लाना चाहते थे भीमराव अम्बेडकर जी की हम चर्चा करेंगे अठारह सो इक्यानवे में, में पैदा हुए उन्नीस सौ छप्पन में ये कहता हूँ इनको बीस पच्चीस तीस साल और जिंदा रहना चाहिए था और इसके बाद ऐसे बहुत सारे और बाबा साहब पैदा होने चाहिए थे खैर आज भी खूब काम हो रहा है दलितों ने खूब प्रोग्रेस की है तो इसके लिए बाबा जी का भी अमूल्य योगदान है शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूके में पढ़े फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए यूएस में तो शिक्षा के ऊपर तो नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा जाता है कि जो, जो संस्थाएं और दल बनाए उनके ऊपर क्वेश्चन कौन सी संस्थाएं और कौन से दल बनाए पहला था डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर सोसाइटी बहिष्कार हितकारिणी सभा उन्नीस में ये एक प्रेशर ग्रुप था बहिष्कर्त होते हैं डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी बाद में इसी बहिष्कर्त लोगों को बाद में साइमन कमीशन आया तो एस सी और एस टी कहा जाने लगा शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाने लगा फिर नाइनटीन थर्टी सिक्स इन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होकर और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई ये राजनीतिक दल है ये पहला वाला प्रेशर ग्रुप ज्यादा है फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को समाप्त कर दिया और उसकी बजाय ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया 1942 में और फिर उन्नीस सौ में जब इनकी मौत हुई उससे एक साल पहले ये रिपब्लिकन पार्टी का गठन करना चाह रहे थे वो अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है जो ट्रंप वाली पार्टी है उससे प्रभावित तो हो गए तो वो उसका औपचारिक गठन नहीं कर पाए उनके मस्तिष्क में विचार चल ही रहा था कि वो अमली जामा पहनाते इस रिपब्लिकन पार्टी के गठन को उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी तो ये वो एक पार्टी है जिसे प्रत्यक्ष तय इस रूप में नहीं जुड़ पाए थे कि उसका गठन नहीं हो पाया था हालांकि उनका आइडिया था काम चल रहा था इसके ऊपर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम रिपब्लिकन पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन करेंगे लेकिन ये सारा काम होता ये पार्टी जाके चुनाव एवं लिस्टेड होती चुनाव चिन्ह मिलता उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी तो ये थी रिपब्लिकन पार्टी जिस इनका प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं रहा इनकी डेथ के बाद बनाई गई फिर इसका औपचारिक गठन किया गया मैं औपचारिक गठन की चर्चा कर रहा हूं तो इनके चार ये संगठनों का निर्माण किया उनकी आप जरूर चर्चा करें ये दो तो पार्टीज है जिनके सीधे जुड़े रहे एक सी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी इनके जो आदर्श है वो है महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और अंतिम समय में खुद अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था 1956 में नागपुर में अपने कम पांच लाख अनुयायियों के साथ ये बुद्ध शरणम गच्छामी हो गए थे कबीर कबीर जो कि जातीय कट्टरता और धार्मिक कट्टरताओं के विरोधी हैं और समता के समर्थक हैं वो इनके प्रेरणा स्रोत अम्बेडकर जी के और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ज्योतिबा फुले जिन्होंने दलित जातियों में ग्रीमा लाने के लिए बहुत सारा काम किया उसमें वैचारिक रूप से दलित जातियों को अग्रणी बनाने के लिए ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा योगदान है जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक थे तो तीन इनके प्रेरणा स्रोत है महात्मा बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले जो सामाजिक समता की चर्चा करते हैं सार्वजनिक जीवन महाड़ का और वायकोम का सत्याग्रह ये दरअसल जातीय भेदभाव के खिलाफ किए गए सत्याग्रह है ये मंदिरों में और तालाबों में दलितों के प्रवेश से लेकर जुड़े हुए हैं बंबई विधानसभा के सदस्य रहे ये उन्नीस में जो गवर्नर जनरल थे भारत की उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी यानी उनकी जो मंत्री परिषद थी जो सहायता करती थी गवर्नर जनरल की उसके सदस्य रहे उन्नीस में उनके पास श्रम विभाग था लेबर डिपार्टमेंट इनके पास था फिर मैकडोनाल्ड व वह समझौता 1932 मैकडोनाल्ड पंचायत ये वो पंचायत है जो तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पंचायत को जारी किया इसमें यह था कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेंगे ताकि इनके हितों की और प्रतिनिधित्व की रक्षा हो सके इनकी भी राजनीतिक भागीदारी हो सके गांधी जी ने पूना की रवदा जेल में दलितों के पृथक निर्वाचन का विरोध कर दिया ये कह के कि इससे हिंदू समाज के अगड़े और पिछड़े का भेदभाव है वो ज्यादा पनपेगा तब फिर गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता और पृथक निर्वाचन वाला मुद्दा है वो वापस ले लिया गया आरक्षण की जरूरत चर्चा हुई उन्नीस सौ बत्तीस में हुआ फिर इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था उस समिति के अध्यक्ष बने थे 29 अगस्त 1947 को यानी भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका को हम स्वीकार करते हैं कानून मंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इन्हें हिंदू कोड बिल के मुद्दे के ऊपर जब नेहरू जी ने ये कह के कि एक बार माहौल ऐसा नहीं है कि हम इतने प्रगतिशील बिल को पास करवा पाए बहुत सारे रूढ़ीवादी व्यक्ति हैं जो संसद के अंदर बैठे हैं बिल पास नहीं होगा तब अंबेडकर जी नेहरू जी की इस मुद्दे पर आलोचना की और मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री के पद से हिंदू कोड बिल के ऊपर जब उनका नेहरू से विवाद हो गया हालांकि नेहरू जी चाहते थे कि कोड बिल पास हो लेकिन उनको पता था कि संसद विश्व का विरोध हो जाएगा तो इसलिए वो धीरे-धीरे करना चाह रहे थे इस काम को अंबेडकर इसको एक झटके में करना चाह रहे थे इसी मुद्दे को लेके फिर दोनों में विवाद हुआ मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया 1990 में इन्हें भारतरत्न दिया गया मरणोपरांत इन्हें हम आधुनिक युग का मनु कहते हैं भारतीय संविधान का पिता कहते हैं हम इन्हें प्रोफेसर केवी राव है। वो सभापतित्व करने वाले देवता कहते हैं नेहरू और पटेल को देखिए भारतीय संविधान में जो अधिकांश प्रावधान है उनके ऊपर नेहरू पटेल अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन चार पांच व्यक्तियों की बहुत बड़ी छाप है तो सभापतित्व करने वाले देवता है नेहरू और पटेल और अंबेडकर हैं जननी न केवल जनक बल्कि भारतीय संविधान की जननी राव ने अंबेडकर जी को कहा है तो ये पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान की जन्नी माता अंबेडकर जी को किसने कहा है वो है के वी राव प्रोफेसर के वी राव तो ये कुछ फैक्ट्स किए हमने मजेदार अब रचनाएं है देखिए अंबेडकर जी की रचनाओं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको ध्यान से देखें कई बार अंबेडकर की रचनाओं के ऊपर ये भी आ जाता है कि कौन सी रचना पहले आई और कौन सी बाद में आई है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज ये इनकी पीएचडी का थीसिस है क्योंकि अर्थशास्त्र में की हुई है ये प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पीएचडी है ये इनकी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एनिहिलेशन होता है खात्मा या उन्मूलन कि जाति का उन्मूलन कैसे हो 1936 और में कोई संतराम जी बीए थे लाहौर के उन्होंने दो दलितों के लिए काम करते थे दलितों के उत्तर भारत के बड़े नेता थे समाज एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन रखा था उसमें अंबेडकर जी को अध्यक्षीय संबोधन देना था उस अध्यक्षीय संबोधन के लिए इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से एक संबोधन तैयार किया था बाद में ये जो उनका संबोधन था भी जो देने वाले थे ये उनको पता चल गया और तात्कालिक जो हिंदुत्ववादी कट्टर शक्तियां थी उन्होंने इस आंदोलन का विरोध करने का निश्चय कर लिया तब डर कर रहे संतराम बीए ने हाथ पीछे खेच ली और अंबेडकर जी को इस सम्मेलन बुलाया नहीं सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया तो अम्बेडकर जी ने उस संबोधन को बाद में पुस्तक के रूप में छपाया बहुत ही मजेदार पुस्तक है कि कि जाति का कैसे होगा तो कहा कि हाथ मिलाने से एक दूसरे के साथ भोजन के लिए एक थाली पे बैठने से जातिवाद समाप्त नहीं होगा अगर जातियों की समाप्ति करनी है तो आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी होगी अंतर जातीय विवाह करने होंगे ब्राह्मणों के क्षेत्रियों के ओबीसी और दलितों के और आदिवासियों के लड़के लड़कियों के आपस में शादियां होगी तब जाके और जाति से छुटकारा मिलेगा तो अंतरजातीय विवाह अंतर जातीय विवाह जाती जाती विवा बल देते हैं कि ये बोझ से काम चलने वाला नहीं है एक थाली से नहीं चलेगा बल्कि रोटी से नहीं चलेगा बल्कि बेटी से काम चलेगा के कौन थे तो कहा बहुत ही मजेदार बात लिखी हुई है कि शूद्र वो क्षेत्रीय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया था कि हम आपका उपनयन संस्कार नहीं करेंगे ऐसे राजपूतों को क्षत्रियों को बाद में शूद्र कहा गया अनटचेबल्स ये अनटचेबल कौन होते हैं अस्पृश्य कौन होते हैं अनटचेबल्स ये कहते हैं ये अस्पृश्यता कहां से आई देखिए भारत में एक बड़ी ये खतरनाक चीज मिलती है जाति और अस्पृश्यता देखिए हायर की तो संसार के समस्त देशों में समस्त समाजों में लेकिन छुआछूत नहीं मिलती है. अंग्रेज हैं वो भी आप देखेंगे कि वो ऐसों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं जो गोरे हैं वो अमीर है वो अपने आप को गरीब से श्रेष्ठ समझता है पुरुष अपने आप को स्त्री से श्रेष्ठ समझता है लेकिन ये अस्पृश्यता वहां नहीं पाई जाती है अनटचेबिलिटी छुआछूत वहां नहीं है तो जातियों की हयार की ऊंच नीच अलग है और अस्पृश्यता अलग मुद्दा है सिर्फ भारतीय समाज में ही पाया जाता है कि यहाँ एक दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है कि जातियां ऊंची नीची तो है ही है एक पद सोपान है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठे हैं उसके बाद क्षत्रिय बैठे हैं फिर वैश्य बैठे हैं और उसके बाद दलित बैठे हैं ये तो हयात की समझ में आती है उसके बावजूद शूद्र और दलितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है ये उद्ध जातियां उनकी छाया से उनके स्पर्श से भी डरती हैं

और बनिए में तो फिर भेदभाव क्यों ऐसा तो ये कहते हैं कि दरअसल ये झगड़ा सारे का सारा सत्ता और संसाधनों को लेके था बौद्धों ने टक्कर दी ब्राह्मणों को और ब्राह्मण सत्ता से और आर्थिक संसाधनों से और समाज के प्रभुत्व से दूर हो गए तब उन्होंने बौद्धों को टक्कर देने के लिए दिमाग लगाया मस्तिष्क का प्रयोग किया क्योंकि ब्राह्मणों में बौद्धों में टक्कर थी आज से लगभग ढाई हजार साल पहले जब बौद्ध आगे निकल गए और सनातन हिंदू पीछे हो गए तब इन्होंने सनातन हिंदुओं के जो पुरोधा थे उन्होंने ये मस्तिष्क लगाया और ये जो बौद्ध धर्मी थे जिनको अम्बेडकर जी ब्रोकन मेन कहते हैं समाज के टूटे हुए आदमी जिनको गांव की बाहरी सीमाओं पर धकेल दिया गया इन ब्रोकन मैन की अवेलना की गई और ये कहा गया कि ये गाय का मांस खाते हैं। देखिए पहले ब्राह्मण भी गाय का मांस खाते थे लेकिन बाद में इन्होंने गाय का मांस खाना छोड़ दिया गाय कि सर्वसुलभ थी उसका मीट सस्ता मिलता था इसलिए सारे लोग इसका मीट खाया करते थे बाद में जो ब्रोकन मैन थे जो गरीब थे जो बौद्ध बन गए थे चूंकि उनको शारीरिक श्रम करना होता है तो प्रोटीन और अन्य चीजों की पूर्ति के लिए इनका मीट खाना जरूरी था मीट खाएं कहां से बाकी चीजें तो महंगी मिलती है बाकी मीट भी महंगा मिलता है, तो गाय का मीट खाना जारी रखा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो अपवित्र है क्योंकि ये गाय जो हमारी माता है उसका मीट खा रहे हैं तो इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करना शुरू कर दिया तो जो अस्पृश्यता का उद्भव हुआ है वो बौद्ध धर्मियों के साथ हुआ ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्मियों के हाथ का खाना पीना और स्पर्श करना बंद कर दिया कि ये गाय मांस खाते हैं तो ये वो गरीब लोग थे ब्रोकन मैन थे जो गाय का मांस खाया करते जो बौद्ध थे उनको ऐसे अस्पृश्य करके और बौद्धों को पुछाड़ दिया तो ये है आपस में जुड़ी हुई चीजें ब्रोकन मैन जो गरीब आदमी जो गांव के बाहर धकेल दिए गए जो गरिमा के लिए बौद्ध धर्म से जुड़े थे क्योंकि हिंदुत्व धर्म में इनको किसी दर्जे के नहीं समझा गया इनको पशुत्व से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं ये जो अगड़े लोग होते हैं ये दलितों के साथ और अभी भी समाज में इनके ये प्रवृत्तियां दूर नहीं हुई है पीछे जालोर में एक पूरा प्रकरण हुआ जिसमें एक बच्चे को पीट के मार दिया एक शिक्षक ने सिर्फ मुद्दा ये था कि घड़े के हाथ का एक मुद्दा था घड़े के हाथ कैसे लगाया तो ये ऐसी कुप्रवृत्तियां आज भी पिछले दो महीने पहले भी राजस्थान में हो चुके और वो एक शिक्षक कर चुका ऐसा गिनुना करते हैं तो इससे बड़ी बात तो क्या होगी तो ये कैसे इसके ऊपर है कि बौद्ध धर्म से उद्भवित तो हुआ इस देश में देखिए मैं जातिवाद नहीं कर जातियां कहां से शुद्ध कहां से मैं ऐसे पर छूत की बात कर रहा हूं वेटिंग फॉर वीजा वीजा का इंतजार ये अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है जो खुद उन्होंने लिखी थी ये उनकी जीवनी है स्टेट्स, राज्यों के ऊपर चर्चा है ये भाषाई राज्यों के समर्थक थे कट्टर समर्थक नहीं थे। शुरुआत में कांग्रेस ने भाषाई राज्य बनाने से मना कर दिया था लेकिन बाद में जब ये पूरा अंतर वाला मुद्दा हुआ पोटी श्रीरामोल्लू की डेथ हो गई उसके बाद फिर फजल अली आयोग बनाया गया और फजल आयोग के बाद भाषाई आधार के ऊपर कुछ राज्य बताए गए तो अम्बेडकर जी बोले कि बहुत ही फेमस कोर्ट है कि बेडियों की हकीकत सामने आ गई है उनकी खाल उतर चुकी है ऊन उतर चुकी है और वो सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं यानी अब जो लिंग्वेस्ट स्टेट के जो विरोध किया करते थे वही अब उसका समर्थन करने लगे हैं तो उनको वास्तविक चेहरा सामने आ गया है तो इनके थॉट्स ऑन लिंग स्टेट्स फिर उन्होंने पुस्तक लिखी गांधी एंड गांधीजम देखिए एक पुस्तक और है महात्मा गांधी एंड इजम यानी गांधीजम ये तो है नमूदरी की गांधी एंड इजम तो और गांधी एंड गांधीजम है देखिए गांधी एंड इजम अलग है इजम में से गांधी हटा दो ये तो है नमूदरी की और गांधी एंड गांधीजम है वो है अंबेडकर की तो गांधी एंड इजम नंबूदरी पा कैल के मुख्यमंत्री रह चुके उनकी है और गांधी एंड गांधीजम है वो अंबेडकर की है तो एक गांधी एंड इजम और एक गांधी एंड गांधीजम ये दो पुस्तकें है गांधी के ऊपर न्यूज़पेपर थे इनके मूक नायक बहिष्कृत भारत और समता एक मैगजीन थी अब इनके विचार देखते हैं कि कैसे थे ये प्रगतिशील रूढ़ीवादी थे प्रगतिशील वो होता है जो समाज में परिवर्तन चाहता है लेकिन रूढ़ीवादी का तात्पर्य है जो धर्म और जातियों के चक्कर में जो पड़ा रहता है रूढ़ीवादी कहते है। तो स्वयं को कई बार प्रगतिशील रूढ़ीवादी कहते थे हिंदू धर्म व ब्राह्मण धर्म के घोर आलोचक थे ये इनका कहना था कि इसमें श्रेणीबद्ध असमानता पाई जाती है नहीं ये एक हयारकियल इनक्विलिटी पाई जाती है इसका तात्पर्य है ये वाली मान लीजिए कि ऊपरी ऊपर है वो ब्राह्मण है फिर है वो क्षेत्रीय है फिर वैश्य है, है और अंत में फिर दलित है तो ये हायरकी पाई जाती है जातियों के मध्य यानी हिंदू धर्म में ये हायरकी है चाहे वो वर्ण के हिसाब से हो या वो जातियों के हिसाब से हो वर्ण विचार है जिसकी मैंने अभी चर्चा की ये कहते हैं कि ये भाग्यवाद पैदा करता है ये कहते हैं कि दलित अपने भाग्य से पैदा होते उन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए ये दलित पैदा हुए इनका कोई उपसार नहीं है तो जो भी अच्छा बुरा ऊंच नीच अमीरी गरीबी है उनके मूल में हिंदू हैं वो भाग्यवाद को मानते हैं और भाग्यवादी व्यक्ति कर्महीन होता है वो कर्म करके अपने भाग्य में परिवर्तन नहीं चाहता बल्कि वो भाग्य के आगे सरेंडर हो जाता है ये कह के कि मेरे को तो ईश्वर ही देगा जो कुछ देगा ऐसे में कभी भी संसार से संकट दूर नहीं होते पीछे कोरोना आया कोरोना आया तो इसके निपटने के दो उपाय हैं। अगर आप रूढ़ीवादी हिंदू हैं रूढ़ीवादी मुसलमान हैं या रूढ़ीवादी ईसाई हैं या रूढ़ीवादी सिख हैं, तो आप क्या कहेंगे यह भाग्य का दोष है यह ईश्वरीय प्रकोप है इसका कोई इलाज नहीं लोग तो मरेंगे दूसरी तरफ होते हैं कर्मवादी वो कहते हैं ऐसे कैसे मिलेंगे हम कोरोना का टीका बनाएंगे और इस मानव जाति को मरने से बचा लेंगे तो अंत में कौन सशक्त रहता है कौन जीतता है जो कर्मवादी होता है भाग्यवादी व्यक्ति कर्महीन व्यक्ति होता है और ये दुखी व्यक्ति होते हैं जो भाग्यवादी न केवल खुद दुखी रहते हैं बल्कि औरों को भी नकारात्मक शक्तियां देके और दुखी करते रहते हैं तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना इससे बचे आप भाग्यवाद से आपका भाग्य आपके हाथ में है आपकी कर्म की लकीरें ज्यादा महत्वपूर्ण है भाग्य की लकीरों पर कभी भी ध्यान मत दो कर्म की बजाय जन्म सिद्धांत महत्वपूर्ण है देखिए कि जन्म को ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म महत्वपूर्ण है कि आप कहां पैदा हुए जी ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में यह भी कमी है तब इन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे अधिकार में नहीं था लेकिन मैं मरूंगा नहीं और वास्तव में नहीं मरे अपनी मृत्यु से थोड़े समय पहले उन्होंने धर्म ग्रहण कर लिया था ये वर्ण व्यवस्था व्यवस्था जाति और छुआछूत के भारी विरोधी थे ये चाहते थे ये ये और कहा करते थे कि अकेले हिंदू धर्म में नहीं है ऐसे अन्याय उसमें भी है ईसाई धर्म में भी ये बहुत कट्टर है और ये मुस्लिम धर्म इसमें भी पितृसत्तात्मकता पाई जाती है औरतों में बहुत ज्यादा अत्याचार होता है इसके अंदर ये सामाजिक न्याय व सहायक राज व्यवस्था सामाजिक न्याय का तात्पर्य इसमें पिछड़े वर्गों को मुख्य भूमिका में आने का मौका मिलता है वो सामाजिक न्याय तो मिलेगा कैसे तो वो कहते दया करने से काम नहीं चलेगा गांधी जी इनको दया के पात्र बना रहे और ये कह रहे हैं कि यह रीजन है क्यों बाकी राक्षस जन है क्या सारी तो रीजन है दलित अकेले रीजन थोड़ी है फिर ये कहते हैं कि बापड़े रीजन बापड़े रीजन नहीं होते इसका मतलब आप उनके अंदर गरीबी का भाव और मानसिक गरीबी का भाव पैदा कर रहे हैं तो आप उनके अंदर गर्व पैदा कीजिए आप उनके अंदर और इसके लिए वो जरूरी मानते थे कि कृपा से काम नहीं चलेगा कि अगड़ी जातियां कृपा करेगी बेचारे दलित के, के? नहीं इसके लिए राज्य व्यवस्था को सहायक होना होगा और संविधान में लिखना होगा आरक्षण के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं अंबेडकर की त्रय क्या है अंबेडकर जी की त्रय है वो है स्वतंत्रता समानता और ये आपने फ्रांस की क्रांति के नारे भी देखे होंगे लेकिन इनके जो तो विचार है ये और ज्यादा व्यापक और भारतीय संदर्भ में है तो अंबेडकर की त्री में क्या आता है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व आता है और यही स्वतंत्रता समानता न्याय और बंधुत्व है ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और भारतीय संविधान के प्रतीक भी है लेकिन त्रय में तीन ही चीजें आएंगी न्याय नहीं है बल्कि स्वतंत्र समानता और बंधुत्व है विरोध किसका किया इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और ये कहा कि इसमें दुर्त अगड़े पिछड़े समाजवादी पूंजीवादी दलित सारे इसके अंदर आके मिल गए तो ये धर्मशाला संगठन कहा करते थे कि जो कांग्रेस है वो एक धर्मशाला की संगठन धर्मशाला में कोई भी आके ठहर सकता है इसमें विभिन्न धाराएं धाराएं विरोधी हैं चाहे वो सामंत हो और चाहे वो किसान हो चाहे वो पूंजीपति हो चाहे सरोहारा हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सारे के सारे इसमें शरण पाते हैं ये कांग्रेस है एक धर्मशाला की तरह यानी घालमेल है अजीब सा ये कह के कांग्रेस का विरोध किया करते थे और ये भी कहते थे चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे सी हो ये दोनों के दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं अगड़ों की पार्टियां गांधी के ये भारी विरोधी थे ये कहते थे परंपरागत हिंदूवाद में जितनी भी कमियां पाई जाती है सारी कमियां गांधी के अंदर है ये कह रहे गांधीवाद क्या है ये गांधी जी धर्म को अफी बना के जनता को चटा रहे हैं। और उनके झुठा सुरक्षा विश्वास में रख रहे हैं कि हिंदू धर्म है अगर आप इसका पालन करेंगे तो आप तर जाएंगे यानी ऐसा कि का विरोध करते हैं तो सेक्स का, कहा था कि दिखावटी कल्पना शक्ति कि जो दिखावटी कल्पना शक्ति है जो दीवा स्वपन दिखाते हैं दिन में स्वपन दिखाते हैं वो कौन है कि वो है गांधीवाद जो व्यवहारिक नहीं है बल्कि काल्पनिक है तो ये कह के उनने कि ये परंपरागत हिंदुओं की सारी कमियां परंपरागत हिंदू वाली गांधी जी में और ये धर्म को अफीम बना के जनता को चटा रहे हैं बजाय की तर्क के जाति का विरोध किया ये कहते हैं जाति श्रद्धा के आरोही पैमाने वह अवमानना के अवरोही पैमाने के ऊपर है अवरोही पैमाना पहले मैं ये समझाता हूं ये क्या है ये बहुत ही फेमस कोट है मैं बोल के गया इसको जाति श्रद्धा के आरोही पैमाने और अवमानना के अवरोही ये जो जातियां हैं ये जो निमन जातियां हैं कोई भी एक जाति ऊपर की जाति से गणना करती है और ये चाहती है कि वो जाति समाप्त हो जाए लेकिन अपन से जो नीचे की जाती है खुद की जाति उसको समाप्त नहीं करना चाहती क्योंकि वो चाहते हैं कि ये समाप्त होगी तो हमारी बात कौन मानेगा हमारे प्रति श्रद्धा कौन रखेगा तो इस वो कहते हैं कि इस देश से जातियां समाप्त नहीं होगी क्योंकि जातियां हैं वो ऊपर वाली जाति को तो खत्म करना चाहती है अपने से ऊपर वाली को लेकिन नीचे वाली को बनाए रखना चाहती है तो ऐसे में कैसे जातिवाद समाप्त होगा ये भारतीय चतुस्वर्ण व्यवस्था और प्लेटो के त्रिवर्ग प्लेटो का जो त्रिवर्ग है शासक सैनिक और उत्पादक वर्ग ये कहते हैं ये भी एक बंद वर्ग है इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते वैसे ही भारतीय चतुस्वर्ण है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र वाला ये बंद व्यवस्थाएं हैं और ये शोषण की प्रतीक है तो ये दोनों का भारी विरोध करते हैं भारतीय है व्यवस्था का प्लेटो के त्रिवर्ग का पंचायती राज के ये विरोधी है इनका कहना था कि गांव उदय संता के अड्डे है और ये अगर पंचायती राज वापिस आ गया तो वापिस जो सत्ता है वो उन्ही अगड़ी और प्रभु अत्यों के पास चली जाएगी दलितों को फिर कोई प्रभु तो नहीं मिलेगा लोकतंत्र के अंदर फिर इनका शोषण शुरू हो जाएगा और आजादी इनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी तो ये पंचायती राज का विरोध करते हैं क्योंकि गांव जातिवाद और देश संता के अड्डे हैं आगे एक महत्वपूर्ण चीज करते हैं ये वीर पूजा का विरोध करते हैं हीरो वर्शिप का और बहुत ही फेमस कोट है कि देखिए धर्म में तो वीर पूजा चल जाती है देखिए आप इसकी गांठ बांध लीजिए वरना पछताना पड़ेगा कभी कि धर्म में तो वीर पूजा मान्य है लेकिन जहां जहां राजनीति में वीर पूजा की गई है वहां हमेशा ही शोषण हुआ है हमेशा ही वहां तानाशाही पनपी है और हमेशा ही आम जनता का वहां कतलेआम हुआ है आप हिटलर को देख लें आप मुसोलिनी को देख लें आप स्टालिन को देख लें आप तात्कालिक श्रीलंका का उदाहरण देख ले कि जहां राजनेताओं को हीरो बना के पूजा गया वहां ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया में को देख लीजिए चाहे आप अयूब खान को को पाकिस्तान में देख आप। वाना को गाना में देख देख लीजिए लीजिए आप आप घाना तो राजनीति में हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए किसी भी नेता को आप ईश्वर नहीं माने अगर आपने किसी भी नेता को ईश्वर मान लिया तो वो तानाशाह बनेगा और आपका शोषण करेगा एक दिन तो ये कहते हैं कि इस देश को एक तो इससे बचाना होगा और दूसरा ये कहते हैं अराजकता का व्याकरण अराजकता का व्याकरण का तात्पर्य ये है कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक ये सविन्य अवज्ञा असहयोग आंदोलन उपवास हिजरत ये सब मान्य थे सत्याग्रह के सारे रूप मान्य थे लेकिन चूंकि अब देश आजाद हो गया है तब आपको विरोध करने के और बहुत सारे साधन पैदा हो गए हैं खुद के कानून बन गए पहले तो अंग्रेजों का कानूनी रूप से अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था तब तो मजबूरी थी कि हम इन साधनों का उपयोग करें लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत में भी सविन्य अवज्ञा का सत्याग्रह का या ऐसे ही उपवास का हड़ताल का धरने का प्रदर्शन का अगर हम इन तरीकों का प्रयोग करेंगे तो इससे समाज में अराजकता फैलेगी तो इन्होंने कहा कि इन पर रोक लगनी चाहिए देश की आजाद हो गया इनकी आवश्यकता नहीं है तो इनको ये सत्याग्रह वगैरह को अराजकता का व्याकरण कहते हैं बहुत ही फेमस शब्दावली है कि अराजकता का व्याकरण किससे जुड़ा हुआ है अंबेडकर जी से दरअसल ये एक भाषण है जो देश का संविधान निर्मित तो हुआ छब्बीस नवम्बर जो स्वीकार किया मैं छब्बीस नवंबर उन्नीस को उसे शायद उसके आसपास दिया हुआ भाषण है संविधान सभा में तो इस भाषण की तीन चीजें उन्होंने कहा एक तो इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो वीर पूजा से बचना होगा दूसरा यह कहते हैं कि इसको अराजकता के व्याकरण से बचना होगा और तीसरा उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया कि इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र तो आ गया है कि लोगों को वोट का अधिकार तो मिल गया है लेकिन अभी भी इस देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आया है तो अगर राजनीतिक लोकतंत्र आ गया और ये लोकतंत्र नहीं आए तो इस देश में संविधान चल नहीं पाएगा इस देश की व्यवस्था है वो ढह जाएगी तो तीन चीजों पर बल दिया कि हीरो वर्षी मत करो राजनीति में अराजकता मत फैलाओ और राजनीतिक लोकतंत्र के तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र का तात्पर्य अमीर और गरीब के मध्य खाई को मिटाना सामाजिक लोकतंत्र के मध्य है जो जातीय भेदभाव हो रहा है गरिमा का उसको समाप्त करना तो ये तीन मुख्य मुद्दे थे उनके भाषण में तो जातिवाद के भारतीय चतुष्वर्ण के प्लेटो के त्रिवर्ग के पंचायती राज के वीर पूजा के अराजकता के विरोधी थे तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र के विरोधी थे क्या नहीं राजनीतिक लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था के दलीय व्यवस्था के तो समर्थक थे लेकिन ये चाहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र के, के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी आए राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी मिले हमें ये चाहते थे अम्बेडकर जी अब इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अम्बेडकर जी की उन पर चर्चा कर लेते हैं अंबेडकर जी के अनुसार मानव विवेक की अभिव्यक्ति सकारात्मक रूप से विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी में नहीं थे बिल्कुल सही वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे रूढ़िवादी नहीं थे विश्व और मानव को मानव के विवेक और उद्यम से ही समझा जा सकता है बिल्कुल सही बात है ये जो पहला है ये सही है दूसरा उसकी सही व्याख्या कर रहा है अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए अस्पृश्य के उद्भव निर्माण से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि कहां से आया छुआछूत कैसे आई इस देश में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी तो ये कहां से आई तो अंबेडकर जी कहते हैं ये बौद्ध धर्म से आई यानी बौद्धों को सबसे पहले ब्राह्मणों ने अछूत साबित किया बाद में यही जो थे बौद्ध ये हिंदू धर्म में आके और सुंदर बन गए थे या दलित बन गए थे इनके साथ फिर ब्राह्मणों और और ने छुआछूत और अन्य जातियों ने प्रभु जातियों ने छुआछूत करना शुरुआत कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रत्यक्ष संगठन नहीं है इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी थी इनसे संबंधित प्रत्यक्ष से संबंधित तो थी वो अनौपचारिक रूप से बाद में गठित हुई हो दलित पैंथर्स ये इनसे इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है इसकी तो ये चर्चा किया ही करते थे कि ये पार्टी बनाएंगे लेकिन दलित पैंथर्स से जुड़ी नहीं थी ये तो इनके बाद में उन्नीस सौ बहत्तर में एक ये तो दबाव समूह बना था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी इनकी कि अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त नहीं कर पाए वे ठोस सामाजिक सुधार करने में असफल रहे जैसे हिंदू कोड बिल। वे संपूर्ण भारत के ऐसे प्रश्नों का प्रति करने वाले दल की स्थापना भी नहीं कर पाए बिल्कुल सही है कि पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि गांधी जी के दबाव में इनको पुनः समझौता करना पड़ा ये कोई ठोस सामाजिक सुधार नहीं कर पाए क्योंकि आज भी इस देश में छुआछूत है आज भी इसमें हर की है ऊंच नीच है ये भी दूर नहीं कर पाए वे वो ऐसा राजनीतिक दल नहीं वो जो ऑल इंडिया का हो और अम्बेडकर जी का उत्तराधिकारी दल कोई सा नहीं है आज तो ये तीनों कामों में असफल हो गई और ये कहना है क्रिस्टोफर जेफर इन्होंने अम्बेडकर के ऊपर अम्बेडकर एंड अंटेस करके एक पुस्तक भी लिखी है उसमें से लिया है ये राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में ये किसने कहा कि मेमड़ो के ऊन कुतर लिए गए हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का तात्पर्य फजल अली आयोग की रिपोर्ट ये किसने कहा है कि कर लिए और सर्दी की तीव्रता महसूस करें ये कहा है बी आर अम्बेडकर ने कौन सी करती नहीं लिखी अंबेडकर जी ने हु आर द शूद्रा स्टेट्स एंड द अनटचेबल्स हु आर दे और व्हील ऑफ हिस्ट्री ये आप बता सकते हैं जो व्हील ऑफ हिस्ट्री है वो राम और लोहिया जी की है बाकी ये तीनों जो पुस्तकें हैं कौन हैं वो है कौन है बौद्ध है तो ये एक और मजेदार क्वेश्चन किया हमने अम्बेडकर जी के ऊपर अम्बेडकर जी की विचार प्रणाली से कौन सा संबंधित नहीं है ये तो है देखिए अराजकता का व्याकरण था वीर पूजा का निषेध ये भी है राजनीतिक समता के साथ सामाजिक आर्थिक समानता की अप्रियता यह भी है पंचायती राज का सशक्तिकरण तो इसमें जो उत्तर होगा वो है डी ये तीनों उत्तर नहीं है ये वाला है तो हमने एक और महान भारतीय राजनीतिक विचारक सामाजिक विचारक की चर्चा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आप मेरे साथ मनोयोग पूर्वक बने रहे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कल हो सकता है टाइम चेंज हो जाए लेकिन टाइम चेंज की दिक्कत नहीं है आगे पीछे मैं करवाऊंगा जरूर कल मैं आपको राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थेरीज करवाऊंगा तो आप आए मेरे साथ आप लगातार बने रहे। आपने मनोयोग मुझे भी सुना महापुरुषों के बारे में मेरे मुख से सुना आपका तहे दिल से शुक्रिया ठीक है आप काफी सारे आपके जो कमेंट्स है जो अधिकांश तो पॉजिटिव ही हैं कुछ में मुझे गालियां भी हो सकता है दी हो आपने चलता रहता गालियां, आवश्यक है चीज़ों को ब्लेस करने के लिए वरना भोजन पचता नहीं है हाँ अभिमंदियों ने लिखा है कि नए टॉपिक्स करवा दो सारे करवा दूंगा दोस्त डोंट वरी बी हैप्पी छोटी छोटी क्लासेस सारी करवा दूंगा आप लगातार बन, बने रहिए मेरे साथ

कलाम अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें कलाम अकेडमी के नाम से ही है वो टेलीग्राम चैनल दूसरा पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बैनीवाल इस नाम से भी टेलीग्राम चलता है आप वो भी ज्वाइन कर लें वहाँ आपको आज पढ़ाए गए जो मैटर है इसकी पी मिल जाएगी यानी संक्षिप्त मैंने जो कुछ करवाया है वो सारा आपका स्क्रीन है ये आपको सारी मिल जाएगी तो धन्यवाद कल नए जोश के साथ मिलेंगे और राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच टाइम मैंने कहा आगे पीछे हो सकता है गुड लक लगे रहिए कामयाब होगे पक्का होंगे सौ प्रतिशत होंगे Good.